नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डेप्थ फ्री 2 रुपये वाले पेन स्टॉक्स के बारे में, जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। यानी इस कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्जा नहीं है और पिछले 4 सालों से ये जो कंपनी है अपने आप को डेप्थ फ्री की हुई है। तो क्या इस शेयर्स में हमें पैसे निवेश करना चाहिए, तो पूरा एनालिसिस करेंगे। और जिस प्रकार से इसमें पिछले 5 दिनों से अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा है और कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ ठीक लग रहे हैं, तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में 200 से 200 रुपये से 200 तक भी जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो नए रिटेल निवेशक हैं, खासकर जो नए लोग, वो पेन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे को निवेश करना पसंद करते हैं। उनको ऐसे स्टॉक चाहिए जो 1 रुपये 2 रुपये के भाव पे मिल रहे हों। और ज़्यादा लालच के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जब करेक्शन आती है तो उनका पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। तो यदि आप ये सब सहने के लिए तैयार हैं, और मैं तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप पेन स्टॉक्स में उतना ही पैसा निवेश कीजिए जितना कि यदि कल जीरो हो जाए तो भी आपको अफसोस न हो। तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं उस पेन स्टॉक्स के बारे में। तो अभी 11 मार्च को उसमें 4.93% का अपर सर्किट लगा और 2 रुपये 13 पैसे के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दी। और पिछले 5 दिनों का रिटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक्स ने 28.31% का रिटर्न दिया है और लगातार पिछले 5 दिनों से जो है इसमें अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा है। अब ये अपर सर्किट कहाँ तक जा सकता है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोस्तों इतना आसान नहीं है। कब तेज़ी आएगी, कब मंदी, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस स्टॉक्स के ऑल टाइम रिटर्न को देखें, यानी जब से एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर और आज तक के रिटर्न को देखेंगे तो माइनस में दिखेगा। और -79.92% करीब में जो है स्टॉक जो है निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन कुछ पेन स्टॉक्स ऐसे हैं जो 100% तक का जो है उनका लॉस होता है, फिर वो 10 पैसे से 500 रुपए भी पहुंच जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स को देखा होगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। यामिनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड का शेयर अभी आपको 2 रुपये के भाव पर मिल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो है 200 रुपये तक जा सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है। कंपनी के रिटर्न्स तो देखते ही देखते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की बैलेंस शीट, ये देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके मार्केट कैप की। वेरी वेरी रिस्की कंपनी है दोस्तों, बहुत ही हाई रिस्की कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। 112 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 2 रुपये 13 पैसे के भाव पर अभी मिल रहा है। इसने जो 52 वीक का अपना हाई बनाया था वो था 3 रुपये 6 पैसे और जो 52 वीक का लो था दोस्तों वो था 34 पैसे। तो 34 पैसे से ये बढ़कर अभी 2 रुपये 13 पैसे तक पहुंच गया है। और इसका स्टॉक P273 का है, बुक वैल्यू 13 पैसे का है, डिविडेंड यील्ड 0 है क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.28% है और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी यानी ROCE जो है इसका 0.39% का है। फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 रुपये है। और जो सबसे अलग और इस कंपनी को जो सबसे स्ट्रॉन्ग जिस पॉइंट से बनाती है वो पॉइंट है दोस्तों कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, यानी ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो जब कोई पेनी स्टॉक्स जो मोमेंटम में हो और लगातार अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा हो और वो कर्ज मुक्त हो, तो होता क्या है कि जब मार्केट में किसी के कारण, किसी न्यूज़ के कारण, किसी ग्लोबल मार्केट ख़राब होने के कारण जब करेक्शन आती है तो जब वो कंपनी कर्ज मुक्त होती है तो वो जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है स्टेबल कर पाती है। तो यही इस कंपनी की सबसे मेन बात है कि कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री है। सेल्स की बात करें तो मार्च 2020 में देखें तो 4.49 करोड़ रुपए का इसने सेल्स किया था। वही 2021 में थोड़ा सा सेल्स में कमी देखने को मिला और 4.36 करोड़ का इसके सेल्स हुआ। और अभी इस साल जो Q3 तक के डेटा को आप चेक करें तो 3.86 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने अभी तक कारोबार किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 सालों से यामिनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो मात्र 19 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज कर रही थी, अब वो कंपनी जो है अभी करेंट ईयर में 1 क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। Q3 तक देखें तो 41 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जो है यामिनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने
यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। तो कंपनी जो है प्रॉफिट में 3 सालों के बाद जंप देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो है एक अपट्रेंड की शुरुआत हो। और ये अपट्रेंड कहाँ जाकर रुकेगा किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि कंपनी की जो सबसे यूनिक बात है कि कंपनी के पास 1 रुपये का कर्ज नहीं है। वहीं सितंबर 2021 यानी Q2 तक के डेटा को आप चेक करें तो पाएंगे कि कंपनी के पास रिजर्व प्राइस सरप्लस मनी 14 करोड़ 61 लाख रुपये के करीब में कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है और कंपनी पूरी तरह से कर्ज है। यही इस कंपनी की सबसे खास बात है। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब इसमें मौका मिले गिरावट में तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि सर पेनी स्टॉक्स खरीद नहीं पा रहे हैं। पेनी स्टॉक्स में जब अपर सर्किट लग जाता है तो उसे खरीदना मुश्किल होता है, लेकिन आप चाहें तो जब उसमें सर्किट खुले, जब मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट हो तो आप खरीद सकते हैं। नहीं तो आप जो है AMO ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है फीड करके रखे रहेंगे और जब मार्केट ओपन होगा तो प्री ओपन मार्केट में आप जो है इस शेयर को खरीद पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पेनी स्टॉक्स को देख कर 1 रुपये 2 रुपये 50 पैसे 30 पैसे के भाव के स्टॉक को देखकर बहुत से लोग खरीद लेते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो जो है जो शेयर्स 30 पैसे में खरीद के रखे रहते थे वो जो है 10 पैसे में बेचकर भाग जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं। तो यदि आपके अंदर वो क्षमता है और उस चीज़ को बर्दाश्त करने की काबिलियत रखते हैं, गिरावट से डरते नहीं हैं, तो फिर पेनी स्टॉक्स में जाइए, अन्यथा आप लोग ब्लू चिप स्टॉक्स में ही पैसे को निवेश कीजिए। प्रमोटर्स की बात करें तो यामिनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 17.36% का स्टेक जो है प्रमोटर्स का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड्स ने जो है इसमें अपना 0.04% का स्टेक रखा है। पब्लिक के पास 82.61% के करीब में स्टेक्स है। देखिए बुल रन में क्या होता है कि जब कोई पेनी स्टॉक्स भागता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पेनी स्टॉक्स में गिरावट शुरू होती है, जब लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगना चालू होता है तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बताइए, तो मैं अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे ये सारे पेनी स्टॉक्स जो है आपके सामने रखता हूँ। एक बार खुद भी आप जो है गूगल पे जाइए और चेक कीजिए कि क्या इस स्टॉक्स में आने वाले टाइम में धमाल हो सकता है कि नहीं। किसी भी यूट्यूबर के कहने पर या मेरे या किसी के भी कहने पर आप पैसा निवेश मत कीजिए। पैसा बहुत ही हार्ड मनी है दोस्तों, आपका परिश्रम का पैसा है। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, निवेश करने से पहले आप गूगल पे जाइए, खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए और फिर जब आपको अच्छा लगे तब निवेश कीजिए। मेरा काम है डेटा प्रेजेंट करना और मैं आपको डेटा प्रेजेंट करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।